चाहिए क्या? आप लोग कमेंट करके बताना, ऐसे क्या देख रहे हो? आप लोग बताना, अपना बर्थडे नहीं मनाना चाहिए क्या? कभी नहीं मनाया तो क्या हुआ? अब तो मना सकते हैं ना बच्चों को खुश करने के लिए। बच्चों से ही केक कटा दिया। मैं चाहती थी दक्ष आज के दिन पैदा हो, इनको गिफ्ट देना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया था कि हम वेट नहीं कर सकते। एक हफ्ते पहले ही होगी। हाँ भाई, एक हफ्ते बस 10 दिन लग रहा है। बस एक दो तीन सामान लगे ना। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो आपने हमारी अभी थोड़ा मस्ती देखी, क्योंकि इसलिए ये हो रहा, ये बात कॉन्वर्सेशन हुआ क्योंकि ये मना कर रहे हैं केक वगैरह बनाने को या लाने को। हमने मंगाने के लिए, तो मैं बोल रही हूँ कि तक्ष का बर्थडे का केक नहीं है इसलिए तुम लेकर आना, तो मतलब उसी से कटवा लेना। मैंने कहा हाँ, जिससे भी कटवाएंगे लेकिन केक ज़रूर आएगा। और आज मैं सोच रही हूँ, आज 7 तारीख है, तो आज रात को मैं ना ओरियो केक बनाऊँगी। पिछली बार तो ख़राब हो गया था तक्ष के टाइम पे, लेकिन दोबारा जो बनाया था बहुत टेस्टी बना था, तो वही मैं दोबारा बनाने वाली हूँ। और रात के 12 बजे इनको सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, देखो कितना पॉसिबल हो पाता है। सो सोचा तो है, कुछ ज़्यादा वैसा नहीं कर सकते फैंसी, लेकिन हाँ इतना तो कर ही सकते हैं ना यार। और इनको नहीं अच्छा लगता है कि बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करें या वो भी, तो हमने क्या कहते हैं अपनी मतलब शादी के बाद क्या शादी से पहले भी ज़्यादा बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट नहीं किए हैं, तो अब मन होता है कि यार थोड़ा बहुत तो कुछ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह ये सब कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बस हाँ केक कट तो करेंगे ही, मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। तो आप लोग बताइए ना कैसा रहेगा। तो बस अभी मैं बनाने जा रही हूँ राजमा। राजमा मैंने बॉइल कर लिया है, मॉर्निंग का टाइम है ये, अभी टाइम हो रहा होगा 8 बज रहा होगा, और मैंने ये सुबह सुबह राजमा बॉइल कर लिया। चाय हम पी चुके हैं, क्योंकि वो वाले दिन जो होते हैं ना उसमें मैं क्या कहते हैं सुबह पर जस्ट उठते ही नहा लेती हूँ, नहाने के बाद ही रसोई में आती हूँ, ऐसा वाला मैं फॉलो करती हूँ। क्योंकि ये वाला रिचुअल वैसे फॉलो होता है हमारे इधर, मतलब मेरे ससुराल साइड की, मतलब 4 दिन तक हम लोग किचन में नहीं आते, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता है। जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो ये सब आप कर पाते हो, अगर आप अकेले रहते हो तो पॉसिबल नहीं होता है कि आप ये सब फॉलो कर पाओ रिचुअल्स, लेकिन जितना होता है मैं करती हूँ। तो वही सब है, तो मैं सुबह सुबह नहा लेती हूँ 4-5 दिन तो, क्योंकि सुबह सुबह कुछ काम नहीं होता, क्योंकि झाड़ू लगाने से तो झाड़ू भी नहीं छू सकती क्योंकि उसको लक्ष्मी माना जाता है घर की, तो वो भी नहीं टच कर सकते बिना नहाए, तो वो सब है। मैं नहाने के बाद ही सब करती हूँ। और अब तो जो हाउस हेल्पर है हमारी, मैंने उनको भी बुलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अकेले पॉसिबल नहीं हो रहा है। तक्ष इतना ज़्यादा बदमाशी करने लग गया है, मैं आप सबको आज दिखाऊंगी आज के ब्लॉग में कितनी बदमाशी करता है। आज सुबह सुबह इतना बड़ा मतलब एक्सीडेंट होते होते बचा, यहाँ पर मैंने अभी चाय छान कर रखी थी जैसे कि आपने देखा, और वो आया और तुरंत ट्रे खींचने लग गया। भगवान ने, पता नहीं, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कुछ भी नहीं हुआ, और सही समय पर मैंने देख लिया, मैं पलट गई और मैंने देखा तुरंत मैंने ट्रे पकड़ी। एक पल के लिए तो मतलब बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं, लेकिन कहते हैं ना जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, वो वाला हिसाब हुआ।
भगवान की सीधी निगाह हो तो भगवान हर परेशानी से बचा लेते हैं, तो वही सब है। सो चलिए मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में, जब तक मैं राजमा थोड़ा छोंक लेती हूँ। मैंने यहाँ पे प्याज को चॉप कर रखा है, टमाटर ग्रेट कर रखा है, हरी मिर्च को मैं 2 पीस में कट करूँगी, अदरक को ग्रेट करूँगी, बस यही सब डाल के सिंपल सा मैं राजमा बनाऊँगी। ये बोले थे कि यार सुबह सुबह राजमा कौन खाता है, लेकिन कल मेरे समझ दिमाग में नहीं आ रहा था मैं क्या भिगोऊँ क्या नहीं भिगोऊँ, तो राजमा लगा मुझे थोड़ा सा है, मैंने कहा यही भिगो देती हूँ, जो भी चलेगा चल जाएगा, फिर यही खा लेंगे इससे पराठा वगैरह कुछ। तो बस इनको राजमा से पराठा रोटी ये सब पसंद नहीं है, इनको सिर्फ चावल पसंद है राजमा से, लेकिन सुबह सुबह चावल कौन खाता है यार, तो वही है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में।
इसके चेहरे का निशान अभी भी नहीं गया है जो नील पड़ गया था। यहाँ पर मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही थी कि देखो ये अभी इतना बदमाश हो गया है कि मतलब लेटकर कपड़े पहनना इतना दूभर कर देता है कि बार बार उठ उठ के भागेगा, बैठाऊंगी तो गिरेगा, कि मतलब अपने मस्ती में मस्त रहता है। तो मैंने कहा चलो ये चीज़ मैं आपको शेयर करती हूँ कि मतलब कपड़े पहनने में भी अब इतना स्ट्रगल करना पड़ता है कि मतलब चार कपड़े पहनाने होते हैं, उसमें भी उलझन खिला देता है। और इस टाइम में ना डायपर मैं थोड़ा मतलब ऑल टाइम पहना के रखती हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मॉनसून का समय चल रहा है ना, तो इतनी जल्दी जल्दी सुसु करता है और कभी इधर उधर टाइल्स हैं तो मतलब टाइल्स पे कर देता है, फिर तो वहीं पर स्लिप हो जाता है तो चोट वोट लग जाती है इस चक्कर में। और कभी एक दो बार तो मेरा भी पैर स्लिप हो गया, क्योंकि हमको नहीं पता होता है अभी इतना मतलब हर समय नहीं बता पाता है, और जब बताता है तो मैं करा देती हूँ। अभी तो छोटा बच्चा है ना, तो इसीलिए अभी यहाँ पर जैसे टीबी गया है अभी ये सही होने, तो मैंने कहा चलो ये टीवी कैबिनेट में साफ़ कर देती हूँ, वरना हस्बैंड की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि क्या कहते हैं पीछे बहुत ज़्यादा मतलब टीवी को हटा के रखना, एलईडी को हटा के रखना वरना बहुत मतलब प्रॉब्लम वाली बात लगती है मेरे को। तो यहाँ पर मैं इसको सही कर रही हूँ। ये जो वाईफाई वाला कनेक्शन है उसको भी मेरे को ग्लास वाला जो पोर्शन है उसमें रखना है। तो मैंने ना यहाँ पर ये सारा हटा दिया है मतलब कैबिनेट को, ता करो। तो उसके बाद मैंने पूरा झाड़ पोछ के सही किया। तो यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं बदमाशी कर रहा था, तो मैंने वहाँ पे क्लिप ले ली थी। और ये नेक्स्ट क्लिप जो है वो इन्होंने ली थी वहाँ पर जहाँ टीवी मतलब एलईडी लेकर गए थे ये। तो यहाँ पर ये ना खोल कर उसको सही कर रहे हैं, मतलब एलईडी का जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था पिछले ब्लॉग्स में। तो यहाँ पर ये नया एलईडी का मतलब आया है ये डिस्प्ले, तो इस पे ये जो पन्नी लगी हुई है इसको हटा रहे हैं, ये हटा देते। तो यहाँ पर ये जो पन्नी वगैरह है वो उसको हटा दिया है, हटा देंगे मतलब ये जब फिट कर रहे हैं फ्रेम, तो वो किनारे निकालने के लिए इस तरह से पन्नी को साइड में कर दिया है और ये फ्रेमिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने ये क्लिप ली थी मेरे को दिखाने को कि देखो नई क्लिप नई डिस्प्ले आई है, और इसका भी एक प्रोसेस होता है। और इस तरह से देखिए कितने उसमें आई है, आपको बुकिंग करनी पड़ती है तब जाके आपको ये डिस्प्ले मिलती है। तो वही सब था, तो यहाँ पर हमारी ये नई डिस्प्ले आ गई है, तो वो ये लगा फिट कर देंगे। और देखिए यहाँ पर हमारा टीवी भी आ चुकी है, एलईडी आ चुकी है घर पे, ये लेकर आ गए थे। इसी के साथ उन्होंने उसका भी पार्ट दे दिया था, तो इसको भी अभी हम निकाल के लगा लेंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने टीवी कैबिनेट को साफ़ कर दिया था, उसके ऊपर टीवी भी रख दिया है। अभी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको चला के दिखाऊंगी। पता नहीं यहाँ पे मैंने चलाई तो थी, पता नहीं चली नहीं क्या हुआ।
सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया कि हमारी जो टीवी है वो सही हो चुकी है, ये लेके गए थे, मतलब उन्होंने बोला था कि वहाँ पर मतलब घर पर आकर सही करने में बहुत टाइम लगेगा और मतलब टेक्नीशियंस वगैरह वहाँ पर सब कुछ चेक कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, कोई टूल चाहिए तो वो भी अरेंज वहाँ पे तुरंत के तुरंत हो जाएगा, वरना आना जाना बहुत मुश्किल वाला काम है। और वहाँ पर उनका पूरा सेटअप होता है जहाँ वो बैठकर टीवी को खोलकर, मतलब उन्होंने सही किया एलईडी को, टीवी तो पुराने ज़मानों में हुआ करती नहीं, सो एलईडी को खोलकर सही कर दिया, तो अभी वो ठीक हो गई। मैंने आपको थोड़ी सी क्लिप भी शेयर किया, बहुत मतलब जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, बहुत अच्छा खासा मतलब खर्चा हो गया है इन सब में, तो जिसकी वजह से बहुत मतलब एक टेंशन टाइप हो गई है, मतलब बिन बुलाए खर्चे जो आ जाते हैं वो झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो तो ठीक हो गया है। बट वॉशिंग मशीन वाला जो है उसके पार्ट्स वगैरह आ गए हैं और वॉशिंग मशीन सही करने वाले का वेट है, वो भी होप सो आज ही हो जाएगा। और मुझे ज़्यादा मतलब इच्छा, मतलब मेरा सबसे ज़्यादा मेरे को क्यूरियोसिटी ये थी कि मतलब जल्दी से वॉशिंग मशीन ठीक हो जाए और जल्दी से मैं वॉशिंग मशीन मतलब कपड़े वगैरह वॉश करूं, क्योंकि मेरे को ना मतलब अजीब सी उलझन हो रही है कि अभी तक ठीक नहीं हुई, वो वाला हिसाब है, तो वो सब है, तो बस वो भी ठीक हो जाएगी आज, तो कल गुरुवार है, परसों मैं सारे कपड़े अपने वॉश कर लूँगी ऐसा जैसा। तो बस यही सब था आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग में मैंने आप सभी के साथ कुछ अलग वे में शेयर करने की कोशिश की है, और गलती से ये सॉन्ग गुनगुनाते हुए आ गए थे, मतलब उनको पता नहीं था कि मैं ब्लॉग कर रही हूँ, तो वो आ गए थे, अभी वॉशिंग मशीन सही करने वाले भैया भी आ गए हैं, तो अब वो भी हो जाएगी। खर्चा बहुत हो गया लेकिन हाँ, चीज़ें ख़राब हो जाती है तो सही तो करानी पड़ती है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आज कोई ब्लॉग नहीं जा पाया क्योंकि इंटरनेट प्रॉब्लम, तो और कल में मतलब कुछ ना कुछ हो ही रहा था इन सब में, अब रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे पक्का। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच वॉचिंग। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी दोनों चीज़ें ठीक हो रही हैं, घर में कुछ चीज़ ख़राब हो जाती है ना तो लगता है कि कोई बीमार है, बीमार वाली फीलिंग आती है, तो होपफुली आज दोनों चीज़ ठीक हो जाएंगी। चलिए मैं आपको थोड़ा सा क्लिप दिखाऊंगी। तो बहुत इंतज़ार के बाद वॉशिंग मशीन सही करने वाले भी भैया आ गए थे, और ये सही हमारी मंडे को ही हो जानी थी लेकिन वेनसडे को सही हुई, तो बहुत लंबा वेट करना पड़ा। सो देखिए यहाँ पर वो वॉशिंग मशीन सही कर रहे हैं, तो उसका भी मैंने थोड़ा सा क्लिप आप सभी के साथ शेयर किया है। वैसे तो इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा आप सभी के साथ भी शेयर करते हैं कैसे वो सही कर रहे हैं ये वो करके। तो ये मोटर वगैरह निकाल रहे हैं तो उसकी मैंने क्लिप ले ली थी, चेक कर रहे हैं सब कुछ कैसा है, कैसा सही है कि नहीं, और तक देखो कैसे बंदर की तरह, मतलब बंदर के बच्चे की तरह चुपका पड़ा है अपने पापा से, उसको इनके मतलब गोदी में इस तरह से बैठना लेटना उसको बहुत अच्छा लगता है, ऐसे मतलब बिल्कुल चिपक जाता है, इनके आते से ही इस इनकी गोदी में चला जाएगा तुरंत कि नहीं पापा ले लो करके, मतलब चीखता रहता है ए ए ए करके, मुझे गोदी ले लो यही इशारा करता है। तो देखिए यहाँ पे मशीन भी हमारी सही हो रही है, और अभी जो डेट है तो मैं अभी कपड़े वॉश कर रही हूँ, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बिल्कुल एकदम स्मूथ चल रही है, और जब ये भैया गए हैं तुरंत मैंने वॉशिंग मशीन को लगाया, सबसे पहले कपड़े वॉश किए बहुत सारे, क्योंकि अगले दिन होने नहीं थे, तो देखिए यहाँ पर पापा सक्सेसफुल हो गए हैं तक्ष को सुलाने में, वरना तो सो ही नहीं रहा था, मैंने कितनी मतलब कितनी देर सुलाने की कोशिश करती रही बट नहीं, अब जाके ये सोया है। सो बाय बाय, कैसा लगा आपको ये ब्लॉग बताना।
कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। वैसे तो मैं ये ब्लॉग एंड कर चुकी थी, लेकिन बाद में मैंने क्लिप शेयर किया तो मैंने कहा चलो दोबारा बाय बाय कर देते हैं। सो बाय बाय, कैसा लगा आपको ये ब्लॉग बताना ज़रूर कॉमेंट करके।